तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के चार नए फीचर के बारे में बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही कमाल के, आप बोल सकते हैं चार नए अपडेट्स के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किए गए हैं व्हाट्सअप के अंदर। क्या ये नए फीचर है, कहाँ मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले यार भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको सबसे पहले यहाँ पर प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने व्हाट्सअप को आपको अपडेट कर लेना है। मैं फिलहाल हूँ वीटा यूजर पे, हो सकता है कुछ फीचर आपको वहाँ पर आपके उसमें मिले ना मिले, बट ये आपके लिए बहुत काम का है। तो उसको ओपन कर लेना है अपडेट करने के बाद। अपडेट करने के बाद ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ जाना है आपको थ्री डॉट्स पे, और यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको एक नया कमाल का यहाँ पर फीचर मिल रहा होगा, जो कि है प्राइवेसी चेकअप। दोस्तों ये क्या काम करेगा, ये आपकी प्राइवेसी को इंक्रीज करेगा, ताकि आपके व्हाट्सअप से रिलेटेड आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाए, ताकि आपका कहीं का कहीं डेटा जा ना सके। यहाँ पर जैसा भी लिखा हुआ है, कंट्रोल योर प्राइवेसी एंड चूज द राइट सेटिंग फॉर यू। आपको यहाँ पर स्टार्ट चेकअप पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप स्टार्ट चेकअप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कुछ दिख रहा होगा, योर प्राइवेसी मैटर्स करके, कंट्रोल योर प्राइवेसी सेटिंग यू सेटअप व्हाट्सअप जस्ट वे यू वॉन्ट यू। तो सबसे पहला यहाँ पर दिखा है चूज हु कैन कॉन्टेक्ट यू। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर ग्रुप का लिखा है, तो सबसे पहले आप जाएंगे ग्रुप में। ग्रुप में मैंने जैसा कि ऑलरेडी सेट आउट कर रखा है कि नोबडी मुझे कोई ग्रुप में ऐड कर सके, तो मुझे कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। उसके बाद एक और नया फीचर ऐड ऑन हुआ था, साइलेंस अननोन कॉल। तो आप यहाँ पर उसको सेट कर दीजिए, ताकि अननोन कॉल कोई भी आपको आ ना सके। ब्लॉक कॉन्टेक्ट, जो भी आपने ब्लॉक कॉन्टेक्ट करे होंगे सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे कंट्रोल योर प्राइवेसी पर्सनल इन्फो, जैसे कि प्रोफाइल फोटो। तो प्रोफाइल फोटो कौन कौन दे सकता है, मैंने यहाँ पर सेट आउट कर रखा है, आप चाहें जैसा भी आपको ऑप्शन लगे सेट आउट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, तो आपकी लास्ट सीन ऑनलाइन कौन कौन देख सकता है, वो आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे रीड रिसीव, तो आप यहाँ पर पूरी मतलब प्राइवेसी रिलेटेड सारी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। एड मोर प्राइवेसी ऑन सेट, डिफॉल्ट मैसेज टाइमर, और एंड टू एंड स्क्रिप्टेड बैकअप का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। एड मोर प्रोटेक्शन टू योर अकाउंट, उसके बाद आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं, और टू स्टेप वेरिफिकेशन को भी यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। तो ये फीचर आप यहाँ पर प्राइवेसी में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकेंड जो फीचर बताने वाला हूँ, जो कि अभी इसी के अंदर एड हुआ है प्राइवेसी के अंदर, जो है कॉल साइलेंस अननोन, साइलेंस अननोन कॉल्स। दोस्तों ये फीचर क्या काम करेगा, दोस्तों आपको भी पता होगा कुछ टाइम पहले एक फ्रॉड चल रहा था, लोगों को फालतू के मैसेज आ रहे थे और फालतू के कॉल्स आते थे, अननोन कॉल्स आते थे। कॉल्स आने के बाद एक वीडियो दिखती थी, और उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दे दिया है, ताकि कोई भी अननोन कॉल आपको डायरेक्टली रिंग ना कर सके, वो सीधा आपको साइलेंट हो जाएगा कॉल। जब भी अननोन नंबर से आएगा, आप बाद में देख लीजिए आपका मतलब का है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये फीचर यहाँ पर ऐसा काम करेगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड फीचर दिया गया है, वो है यहाँ पर चेंजेस को लेके। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे इसकी पूरी सेटिंग चेंज आउट हो गई है, जैसे कि स्टेटस यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में आता था, अब स्टेटस यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ गया। कॉल यहाँ पर आता था, कॉल इधर आ गया। कम्युनिटी बगल में आती थी, मतलब कि इसके लेआउट को यहाँ पर चेंज आउट किया गया। तीसरा चेंज यहाँ पर ये किया गया है, और फोर्थ चेंजेस की बता दूं, जो कि बहुत ही कमाल का है। दोस्तों जैसा कि बताया यहाँ पर फोर्थ फीचर बहुत ही कमाल का है। फोर्थ फीचर ये है कि जब भी हम किसी को फोटोज या वीडियो शेयर करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें एक एक करके सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ही आप सेंड आउट करना चाहते हैं, तो उसमें एरर आ जाता है कि भाई आपकी लिमिट पूरी हो गई, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट ओवर, आप एक बार में 30 ही इमेज भेज सकते हैं। फिर आपको काउंटिंग करना रहता है, अरे यार 1 2 3 4। अब उसी के लिए एक नया फीचर यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप जितनी बार टिक करते जाएंगे, वहाँ पर आपको काउंटिंग दिखने वाली है। तो आप देख सकते हैं काउंटिंग आपको दिख रही है, जैसे ही वो आप ऊपर भी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से उसको रोक सकते हैं कि भैया 30 ही जाएंगी, तो हम 30 पे उसको रोक लें। यहाँ पर अब आपको काउंटिंग वाला ऑप्शन दे दिया गया, जो कि पहले नहीं आता था। अब इसमें आप काउंटिंग वाला ऑप्शन देखिए, इतनी बार भी आप यहाँ पर टिक करेंगे, वो आपको काउंटिंग करके वहाँ पर इमेज दिखाने वाला है। तो फोर्थ फीचर ये ऐड ऑन किया गया है। दोस्तों यही चार नए, या बोल सकते हैं चार नए फीचर ऐड ऑन किए गए थे व्हाट्सअप में, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई रियल में,
तो यार कमेंट जरूर करके बताया करो यार, लाइक तो कर ही दिया करो यार, लाइक में कोई पैसा नहीं लगते, लाइक तो जरूर कर दिया करो। और सबसे ज़रूरी, जितने भी मेरे भाई बहन जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, भाई सब्सक्राइब को ज़रूर कर लिया करो यार। सब्सक्राइब जब तक आप करोगे नहीं, जब तक मैं नई अपडेट्स में मेरी नई अपडेट्स आपको कैसे पता चलेगा, तो सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब को ज़रूर कर लिया करो। और सब्सक्राइब कर ही लिया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी और दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। और हो सके तो इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूलें। तो थैंक यू।